इंट्रोडक्शन टू आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ टर्म्स एंड कंसेप्ट द सेफ्टी प्रोफेशन वी नो किसी भी प्रोफेशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं कुछ असलाहत होती हैं जिनका जानना बहुत लाजम है जैसा कि लॉस प्रिवेंशन डिस्क्राइब्स अ प्रोग्राम डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट पोटेंशियल एक्सीडेंट प्रॉब्लम बिफोर द रिजल्ट इन द फाइनेशियल लॉस आर इंजीनियरिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम बोलते हैं लॉस प्रिवेंशन कि लॉस होने से पहले किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी शख्स की जान को किसी भी शख्स की हेल्थ को किसी भी किस्म के फाइनेंशियल लॉस को इसको कहते हैं लॉस प्रिवेंशन लॉस कंट्रोल लॉस कंट्रोल इज अ प्रोग्राम डेजिगनेटेड डिजाइनड टू मिनिमाइज इंसिडेंट बेस्ड फाइनेंशियल लॉसिस अब इस कंसेप्ट का प्योर ये मतलब है कि जो फाइनेंशियल लॉस है जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो ये आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द मनी है अगर सिर्फ फाइनेंस की बात करें तो ये फाइनेंशियल रिसोर्स रुपये पैसे की बात कर रहे हैं जो लॉस कंट्रोल है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लॉस कंट्रोल इज अ प्रोग्राम वेयर योर प्राइमरली फोकस इज हाउ यू कैन सेव योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस

फाइनेंशियल लॉस के चांसेस हैं फाइनेंशियल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन लॉस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर द ले पर्सन सेफ्टी मीन्स नॉट गेटिंग इंजर्ड एक ले मैन ले मैन वो शख्स है जो नॉलेज स्किल एबिलिटीज नहीं रखता उसको हम ले मैन कहते हैं ले मैन के मुताबिक सेफ्टी की जो आसान सी डेफिनेशन है वो ये है सेफ्टी मीन्स नॉट गेटिंग इंजर्ड ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम ना करें कि आप इंजर्ड हो जाए आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंजर्ड होने से अवॉइड करना चाहिए अपने आप को इस अमल को सेफ्टी कहते हैं टू द प्रोफेशनल्स इंप्लाइज रेफर टू द लाइवलीहुड रिस्क दैट अ लास्ट इवेंट विल अकर रिस्क कैन बी डिफाइन एज अभी ये जो चीजें मैं डी स्टूडेंट्स आपसे बयान कर रहा हूँ ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जानना तमाम इम्प्लाइज के लिए इंपॉर्टेंट है रिस्क रिस्क कैन बी डिफाइन एज द मेयर ऑफ प्राबिलिटी एंड सवेटी ऑफ ए लॉस इवेंट टेकिंग प्लेस अगर कोई इवेंट हो जाता है और आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में नहीं है इस अमल को रिस्क कहते हैं टर्म्स एंड कंसेप्ट इन सेफ्टी प्रोफेशन क्वेश्चन आर वर्करी इलनेसर ऑर्गेनाइजेशनल लॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे भी होगा वर्क प्लेस कंडीशन है जहां पर वर्कर एक्शन होता है और उसके रिजल्ट में कोई इंजरी हो सकती है Ill हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज को हो सकता है एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स आर अनप्लैंड का डी स्टूडेंट्स ये मतलब है कि ये इवेंट्स हमारे इख्तियार में नहीं ये किसी वक्त भी हो सकता है इसे कहते हैं If any situation happen, unplanned way, एंड दैट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन दैट मे बी ट्रीटेड एज एक्सीडेंट जॉब टाइटल्स ऑफ इंडिविजुअल परफार्म आकोपेशनल सेफ्टी इस वक्त दुनिया के अंदर जो लोग भी आकोपेशनल सेफ्टी का काम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ जॉब टाइटल के साथ काम कर रहे हैं जॉब टाइटल क्या होता है अगर कोई शख्स फाइनेंस का काम कर रहा है तो उसको फाइनेंस मैनेजर कहते हैं अगर कोई शख्स प्रोडक्शन का हेड है तो उसको प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं इसी तरह जो लोग दुनिया के अंदर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके मुख्तफ जॉब टाइटल्स हैं जो कि मुदर्जा ज़्याल हैं नंबर वन इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट नंबर टू रिस्क मैनेजर नंबर थ्री सेफ्टी प्रोफेशनल्स, नंबर फोर सेफ्टी इंजीनियर एंड नंबर फाइव सेफ्टी मैनेजर्स टाइटल मुख्तलफ हों लेकिन इन सब की जो प्राइमरिली जॉब ड्यूटीज है वो ये है अपने एम्प्लॉज को एक्सीडेंट इंजरीज या इस किस्म के इवेंट से कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे उनकी हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करना है कि वो जो एम्प्लॉज है वो किसी किस्म के लॉस का बायस ना बन जाए द सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नंबर वन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट है अगर किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाता है जो अभी मैंने डी स्टूडेंट्स आपको बयान किया सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन वाई दैट एक्सीडेंट टोकन टू प्लेस वट वाज द रीज़न लॉस कैसे हुआ क्यों हुआ कब हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ये सारे क्वेश्चन एक अच्छे जो स्कॉलर है रिसर्च उसके माइंड में आने चाहिए और यहाँ पे जो स्कॉलर या सेल्सियस की जो मैं बात कर रहा हूँ डी स्टूडेंट्स वो इन जॉब टाइटल्स के साथ में बात कर रहा हूँ नंबर टू वर्क विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन केस ऑफ एनी अनसर्टन सिचुएशन डू यू हैव एमरजेंसी टीम ओवर देयर डू यू हैव सम बैकअप प्लान अगर बैकअप प्लान एमरजेंसी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है इट मीनस दैट कि जो सेफ्टी मैनेजर है ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज इन अ बेटर वे थर्ड एल्गोनॉमिक एनालिसिस एंड मॉडिफिकेशन एल्गोनॉमिक एनालिसिस एंड मॉडिफिकेशन में चीज़ों को थाली देखा जाएगा एनालाइज किया जाएगा डिटेल में इंशोर किया जाएगा नेक्स्ट फायर प्रोटेक्शन एंड हैजर्ड रिकोगगनी फायर प्रोटेक्शन सबसे पहले उन इक्विपमेंट को देखा जाता है जिनकी मदद से किसी किस्म की फायर अलॉम फायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसमिनेट या फायर किसी किस्म की लग सकती है इन दिस केस यू हैव टू कंट्रोल फाइल नंबर वन नंबर टू हैज रिकग्निशन वो हैज किस किस्म की है जो कि एम्प्लाई एल का बायस एम्प्लाई इंजरी का बायस बन सकती है उसको हम लोगों ने देखना हैजेड रिलेटेड जो मटीरियल है उनको मैनेज manage करना मैनेजमेंट का सिंपल मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग है जब किसी काम को करने से पहले प्लान किया जाए ऑर्गेनाइज किया जाए उसके लिए जो स्टाफ रिक्वायर्ड है वो दे दिया जाए लीडिंग की जाए जो लोग रिक्वायर्ड हैं काम करने के लिए एक्चुअल वो काम स्टार्ट कर दें उसको कंट्रोल किया जाए इस अमल को मैनेजमेंट कहते हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है जहाँ पर हेल्थ हैजर्ड्स कंट्रोल होता है हेल्थ के रिलेटेड जो इशूज़ हो सकते हैं उनकी मैनेजमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है इसके बाद हम लोग देखते हैं इंस्पेक्शन ऑडिट एंड रिकॉर्ड रिकॉर्ड रेकेड रिकॉर्ड दोनों हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं रेकॉर्ड कीपिंग इसमें दो चीजें स्टूडेंट्स मैं आपको बयान करना चाहता हूं पहली है इंस्पेक्शन इज़ हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन उसको था चेक करना उसकी इंस्पेक्शन हम बोलते हैं ऑडिट ऑडिट इज अ प्रोसेस आउट बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स क्वालिफाइड ऑडिटर्स इन द केस ऑफ पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द केस ऑफ अमेरिका सीपीए इन द केस ऑफ यूनाइटेड किंगडम ए सी सी ए दीज आर द क्वालिफाइड पीपल्स अब इसको हम दोबारा देखते हैं ऑडिट ऑडिट एक ऐसी टर्म है जहाँ पे क्वालिफाइड ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट है बैलेंस शीट है इनको थालोली चेक करते हैं और उनके बाद अपनी ओपिनियन इंडिपेंडेंट देते हैं इस अमल को ऑडिट कहते हैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन सो ही और शी कैन परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज इन अ बेटर वे अब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जहाँ पे जो सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो अपने इन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानते हैं कंक्लूजन अब ये जो टॉपिक है इसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ द करंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड इट्स रूट्स इन द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी दुनिया के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिवेल्प होना शुरू हुई उस वक्त इनकी जो रूट्स हैं ऑकोपेशनल सेफ्टी की ये वहाँ से मिलती हैं उससे पीछे चले जाएँ तो शायद इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस या इन पर काम नहीं हुआ कंसर्न रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन इस प्रोफेशन की सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज़्यादा उसकी सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दी जाती है यही वजह है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लाईज़ के आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट करने के बाद जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सिग्नीफिकेंस इम्पोर्टेंस दी जाती है वो इम्प्लाइज़ हेल्थ है और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जिसके अंदर लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब की इंपॉर्टेंस सेकेंडरी है